खोज बताए राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम सिया राम जय जय राम। कैसा लगा आप बताइए जरा? बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा? फाइव स्टार। आप कितने स्टार देंगे? 10/10। दहलीज पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम, हाँ सीखा मैंने जीना जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हम। कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला कि नहीं आपको? जी नहीं, कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म तो नहीं मिला है। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो तुम, आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो तुम। जो है सारे गमापा, इंडियन आइडल, ये सब में ट्राई नहीं किया आपने? जी ट्राई तो किया है पर सेलेक्ट तो नहीं हुए हैं फिलहाल। जी कोशिश है वहाँ तक। राज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं। फुल सपोर्ट, सब कुछ है इसके प्रति। हाँ सब कुछ, जो भी करना है कराना है, सब इसी को कराना है। समय सोशल मीडिया पे एक बढ़ई की बेटी का जो गाना है बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। जी हाँ, बता दे आपको, ये मानसी राणा है और इनका राम सिया राम जो गाना है वो बहुत ही तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है। ये रहने वाली है हजारीबाग की, तो और क्या, हम चल आए इनके पास, वो गाना भी सुनेंगे और इनका जर्नी के बारे में भी बात करेंगे। सबसे पहले स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, आपके पिताजी जो है बढ़ई है ना जी, और आप जो है सिंगिंग करती हैं, पिताजी सपोर्ट करते हैं? जी पूरी तरह उनका सपोर्ट तो हमेशा से रहा है। वैसे वो ज्यादा कुछ कहते नहीं है, पर एक जताना होता है, वो पता चल जाता है कि चाहे कुछ भी हो ये मेरे साथ हैं। जी मतलब वो आपके पिताजी जो है फुल सपोर्ट में है कि आप एक सिंगर बने, है ना जी। अच्छा, वो जो गाना आपका वायरल हो रहा है राम शिया राम है, और भी एक आध गाना आपका वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पे, हम चाहते हैं कि एक गाना से शुरुआत करते हैं वीडियो का। जी राम सिया राम से। हो जन्म जन्म की खोज बताए राम से चल के राम पे आए, प्रेम कोई हम और न जाने, राम से रूठे राम से माने, राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी, राम सिया राम जय जय राम सिया राम सिया राम जय जय राम। वाह क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाइए आप सभी लोग, बहुत ही अच्छा आप गाना गाती हैं। जी थैंक यू। अच्छा, आपने ये नहीं सोचा कि कुछ और गाना गा लेते हैं? लोग आजकल तो वायरल होने के लिए कुछ भी गा लेते हैं, लेकिन आपने राम सिया राम गाया, बॉलीवुड को चूज किया, इतना बेहतरीन आप गाना गा रही हैं, और भोजपुरी उजपुरी आप नहीं गा रही हैं? जी भोजपुरी ये सब नहीं गा रहे, क्योंकि एक फेस वैल्यू, एक पॉजिटिव फेस वैल्यू बनाना है हमको। एक पॉजिटिव फेस वैल्यू बनाना, ऐसे ही यूं वायरल नहीं होना जी।
क्योंकि ऐसे सोशल मीडिया पे कोई भी आते हैं ना भैया, उठ पुट के और कुछ भी क्या गा लेते हैं, वायरल हो जाते हैं। रात में वायरल हुए, सुबह फिर उसका नाम मिट गया। हाँ, तो वैसा वायरल नहीं होना है। अगर होना है तो लॉन्ग टर्म के लिए, जो पूरा दुनिया का पूरा वर्ल्ड जाने इसको, वर्ल्ड जाने। हाँ, आप सपना रखते हैं इन्हें सिंगर बनाने के लिए? बस यही सपना लेकर सारा इसके पीछे हम लोग लगे हुए, पूरा फुल फैमिली का सपोर्ट है, फुल फैमिली का सपोर्ट है। ऐसे तो देखा जाता है कि बेटिया को जो है ना सपोर्ट नहीं मिलता है, चाहे वो पढ़ने के लिए हो, गाने के लिए हो, लेकिन आप इनकी माँ है, फुल ऑन सपोर्ट कर रही है। नहीं, शुरू से ही इसके प्रति पूरा सब कोई हम लोग फुल सपोर्ट में है। हाँ, बहुत सारी ऐसे माँ है जो बोलती है कि बेटी घर में रहो, रोटी वोटी बनाओ और हमें खिलाओ और शादी विवाह कर देंगे तुम्हें, तुम अच्छा से रहोगे। नहीं नहीं, ऐसे कोई बात नहीं इसके प्रति। हम लोग चाहते ये आगे तक जाए। और हम लोग को भी तो गर्व होता है जब ये इसका गाना सुनते हैं। आप सिंगर बना देंगे, शादी ब्याह हो जाएगा तो वहाँ जाके ये सिंगिंग करेंगी? अगर वैसा, हाँ क्यों नहीं करेगी, जब इसके पीछे हम लोग इतना ध्यान दे रहे हैं। हाँ, और इतना मेहनत कर रही है तो क्यों नहीं करेगी। बिल्कुल। हाँ। अच्छा, आपकी माँ आपके साथ है, हम चाहते हैं कि माँ जो है आपके पास है, एक माँ के लिए गाना हो जाए कि नहीं? जी जरूर। हाँ बिल्कुल, आ जाइए माँ जी पास में और एक माँ के लिए आप गाना सुनाइए बेहतरीन सा। जी, जब चोट कभी मेरे लग जाती थी तो आँख तेरी भी तो भर आती थी, एक छोटी सी भूख से तेरी सभी दर्द मेरे होते थे हम। आज भी कोई चोट लगे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। आज भी मेरी आँख भरे तो याद आती हो, याद आती हो तुम। माँ मेरी, माँ मेरी, जोरदार तालियां होना चाहिए, बहुत ही अच्छा आप गाती हैं। जी बहुत अच्छा। अच्छा, ये जो है माँ के लिए गाना था, आपको कैसा लगा, दुनिया को कैसा लगा, मुझे नहीं फर्क पड़ता है। अच्छा लगा। हाँ, भावुक हो गई कि नहीं अंदर से गाना सुन के? हाँ, बेटी गाई तो भावुक तो होंगे ही। देखिए माँ जो है, माँ बेटी का प्यार है, बहुत ही सुंदर है। पिताजी जो देखिए अभी 7 बजने को है लेकिन घर को नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं परिश्रम कर रहे हैं बेटी के लिए कर रहे हैं, पूरा परिवार लगा हुआ है। पिताजी का सपना पूरा करेंगे ना? जी जरूर। हाँ, पूरी तरह से लगे हुए हैं उसी के पीछे, उसी के पीछे लगे हुए। अच्छा, एक आपका और गाना बॉलीवुड का वायरल हो रहा है, हम चाहते हैं वो भी दर्शकों को आप सुनाइए। दहलीज़ पे मेरे दिल की जो रखे है तूने कदम, तेरे नाम पे मेरी जिंदगी लिख दी मेरे हमदम। हाँ सीखा मैंने जीना, जीना कैसे जीना, हाँ सीखा मैंने जीना मेरे हमदम। ना सीखा कभी जीना, जीना कैसे जीना, ना सीखा जीना तेरे बिना हमदम। क्या बात है, ये स्ट्रगल जो है कितने सालों से आप कर रही हैं, इतना बेहतरीन गाना गा रही हैं। 12 या 13 सालों से, 12-13 साल से आप स्ट्रगल कर रही हैं। अभी तक तो कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म मिला कि नहीं आपको? जी नहीं, कोई बढ़िया प्लेटफॉर्म तो नहीं मिला है। नहीं मिला, बस लोकल जो भी है, लोकल में काफी लोग जानते हैं, बट ज्यादा हजारीबाग में आपको बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं जानते होंगे, जानने वाले बहुत ज्यादा हैं, लेकिन देश में आप पूरा तरीके से वायरल नहीं। जी जी। अच्छा, आप जो है सारे का मापा, इंडियन आइडल, ये सब में ट्राई नहीं किया आपने? जी ट्राई तो किया है, पर शायद उस लेवल तक की मेरी तैयारी नहीं होगी, या जो भी कुछ कमी कह सकते हैं, तो सेलेक्ट तो नहीं हुए हैं फिलहाल। जी, कोशिश है। अच्छा, वहाँ तक जाएं। जी, अच्छा आप वहाँ तक पहुँची हैं कि नहीं पहुँची हैं अभी तक स्टेज तक? जी, स्टेज जो मेन स्टेज होता है टीवी राउंड तक नहीं, पर 1-2 राउंड जो ग्राउंड लेवल के राउंड होते हैं वो क्लियर हुए हैं। जी, अच्छा आप लोगों का सपना जो है सिंगर बनाना, इन्हें किस हद तक आप लोग जो है जाएंगे इन्हें सिंगर बनाने के लिए, कब तक प्रयास करेंगे? जब तक ये चाहेगी तब तक प्रयास रहेगा हम लोग का। हाँ, उसमें कमी नहीं आएगा, कमी नहीं आएगा, कभी कमी नहीं आएगा। ऐसे तो देखा जाता है कि बिटिया लोगों को इतना लोग प्रमोट नहीं करते हैं। नहीं तो वो किसी और के होगा, हमारे घर में एक यही लड़की है और कोई लड़की का जनसंख्या हमारे घर में नहीं है, सिंगल ये है, तो इसलिए पूरे फुल फैमिली का फुल सपोर्ट,
सब कुछ है इसके प्रति, हाँ सब कुछ जो भी करना है कराना है सब इसी को कराना है, इसी को, इन्हीं को, हाँ और इसी के इसका भी इसका जो फेम होगा उसके फेम से ये भी पॉपुलर होगी ताकि उसका हम लोग को भी जाना जाएगा। तो कहीं स्ट्रगल के पीछे जितने फेस है जब आप कामयाब होगी तो सब लोग जानेंगे। अच्छा आपसे हम ये जानना चाहते हैं, करीब आप 12-13 साल से काम कर रही हैं ना, सिंगिंग कंपटीशन कर रही हैं, सिंगिंग लाइन में हैं, अगल बगल के लोग ताने वाने मारते हैं क्या कि अभी तक कोई अचीवमेंट नहीं हुआ? नहीं वैसा तो कोई कुछ इशू नहीं रहा है, हम पहले यहाँ नहीं रहते थे कहीं और रहते थे और वहाँ पे भी जितने नेबर्स थे उनका भी मतलब हम काफ़ी लकी रहे इस मामले में, नेबर्स ने भी हमेशा ही सपोर्ट किया है, यहाँ आने के बाद भी यहाँ पे भी सबने ही पूरे गांव ने ही सपोर्ट किया है, तो ऐसा कोई इशू कभी नहीं रहा मेरे साथ। अच्छा माँ से जानते हैं, रिश्तेदार वगैरह कुछ कहते हैं कि बिटिया इतना साल से गाना गा रही हैं आप जो हैं बहका के रखी हैं? नहीं नहीं ऐसा तो कोई नहीं बोलते, ऐसा कोई नहीं बोलते। और ये मतलब कि बोलते बहुत अच्छा है इस लाइन में गई है, कम से कम ये तो कम से कम हम लोग फैमिली से कोई तो आगे गई, ऐसा कोई नहीं है, सब कोई सपोर्ट करते हैं। बहुत बढ़िया, हम चाहते हैं एक और आप गाना सुनाइए आपके मन पसंद का जो आप हमेशा से गुनगुनाते रहती हैं, घर हो कहीं भी जाती हूँ तो गुनगुनाती हूँ। लता मंगेशकर जी का गाना है। तुझसे राज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, हो परेशान हूँ मैं, जीने के सोचा ही नहीं दर्द संभालने होंगे, मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराऊं कभी तो लगता है जैसे होठों पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हो हैरान हूँ मैं। चलिए आपका इस गाने का ना मैं रेटिंग दिलाता हूँ आपको, कैसा लगा आप बताइए जरा? बहुत बढ़िया लगा। आपको कैसा लगा? 5 स्टार। 5 स्टार। आप कितना स्टार देंगे? 10/10। 10/10 देंगे। देखिए एक बाबा भी हैं, ये बताएंगे असली ट्रूथ, कैसा लगा गाना? बहुत बढ़िया लगा था। अच्छा लगा सुन के? हाँ अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। क्या बात है, देखिए ये घर परिवार और बगल वाले सभी लोग आपको 5 स्टार दे रहे हैं, ये 10/10 दे रहे हैं आपको, तो इतना ज्यादा प्यार पाके आपको कैसा लगता है? चचेरा भाई का हमारा लड़की है। हाँ? हाँ, चचेरा भाई की लड़की है। हाँ। ये चाहती है कि सिंगर बने, आप लोग सपोर्ट करते हैं? सपोर्ट कैसे नहीं करते हैं हम लोग, फुल एकदम। हाँ, हम लोग का इच्छा है कि आगे बढ़े। बहुत बढ़िया है, देखिए इतना सपोर्ट मिल रहा है और मुझे ऐसा यकीन है कि आप बहुत बेहतर करिएगा अपने जीवन में, इतना आप स्ट्रगल कर रही हैं, कहीं ना कि माँ है, परिवार है, पिताजी हैं, सबका इनको सपोर्ट है, तो आप एक बार है ना इन सभी का फेस देख के भी और ज्यादा आप मेहनत करिए और आगे लेवल तक जाइए। शुभकामनाएं हैं हमारे तरफ से। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए तो इनका गाना आप लोगों को कैसा लगा कॉमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताइए, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।